क्या है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹270, किसी आर्टिकल को क्या किया है, ₹270 में सेल किया है, और शॉपकीपर गेन 20%, शॉपकीपर क्या करता है 20% उस पर कमाता है। इफ़ ही सेल इट फॉर ₹210, ₹210 में अगर वो सेल करता तो वॉट इज़ हिज गेन और लॉस परसेंटेज। तो आपको बताना क्या है कि अगर वो ₹210 में सेल करता है तो उसको कितना लॉस या प्रॉफिट, और आपको ये कैलकुलेट करना है। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जब देखिए वो 200 कितना है, ₹270 में क्या करता है, सेल करता है, ठीक है, तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होता है, उसको 20% का प्रॉफिट होता है। मीन्स कितना होता है, ये कितने की वैल्यू है, 120% की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका, यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालनी होती तो अलग बात है, आप या क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 210 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 210 की वैल्यू क्या जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए मतलब कितने परसेंट के बराबर है 210, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए जीरो से क्या होगा आपका, जीरो कैंसिल, 3 7 जा और 3 9 जा 27, ओके, एंड 3 3 जा और 3 4 जा 12, ठीक है। तो कितना हो गया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 जा कितना होता है 28, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 4 जा 28 और एक जीरो और अपॉन में क्या हो जाएगा 3, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और क्या परसेंट आ गया, ठीक है। तो इतना परसेंट, अब एक चीज़ बताइए, इसमें से क्या करना है आपको, 100 माइनस करना है, ठीक है, तो 100 में से माइनस कर दीजिए, तो 100 माइनस 280 अपॉन क्या आएगा, 3 आएगा, तो 300 में से क्या करना है आपको, 280 माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, नीचे 3 आएगा, तो कितना आ जाएगा, सिंपली 20/3 आ जाएगा, 20/3, ठीक है, इक्वल टू कितना जाएगा, ये आपका 62/3%, मीन्स कि इतने परसेंट का क्या हुआ, उसमें लॉस हुआ है। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 62/3% क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा।